किसान सम्मान निधि अजनगत राप से 16 नंबर का इंस्टॉलमेंट 28 फरवरी 2024 की डेट पर जारी हुआ है। अगर आपको अभी तक 16 नंबर का इंस्टॉलमेंट नहीं मिला यानी कि 28 फरवरी 2024 के डेट पर सिर्फ 2 से लेकर 4,000 यानी कि 2-3 इंस्टॉलमेंट मिलने के बाद बाकी इंस्टॉलमेंट नहीं मिला, अगर आपको ये कहना है कि 28 फरवरी 2024 के डेट पर यानी कि 2024 में आप तक मुझे एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं मिला, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वंचित किसानों को सिर्फ 2 काम करने से आपका पैसा सीधा वापस आपका खाता पर आ जाएगा। और ये जो गाइडलाइंस है, ये जो डेट है, 31 मार्च से पहले आपको पैसा मिलेगा और 15 मार्च के डेट पर किसान सम्मान निधि अजनगत राप से वंचित किसानों को मिलेगा पैसा। किस कैटेगरी किसानों को 15 मार्च 2024 के डेट पर पैसा मिलेगा यानी कि और 4 से 5 दिन के बाद, उस सभी किसान के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, उसी वीडियो का लिंक मैंने आई बटन दे दूंगा। और जिन लाभार्थी को पैसा नहीं आ रहा है उन सभी लाभार्थी सिर्फ 2 काम करने के बाद 31 मार्च से पहले यानी कि 31 मार्च के दिन आपका पैसा आपका खाता पर आ जाएगा। तो दोस्तों इसीलिए आपको क्या करना होगा ये तो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहले बार विजिट किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को अलाउ कीजिएगा, दोस्तों को सर जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले सभी लाभार्थी को फार्मर कॉर्नर पर आके नाउ योर स्टार्स पर क्लिक करके बेनिफिशियरी स्टार्स को ओपन करना होगा। 9 करोड़ किसानों को पैसा मिला है, इसका मतलब आपको भी पैसा मिलेगा। अगर आपको अभी तक पैसा नहीं मिला तो इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर कैप्चा डाल के ओटीपी वेरिफिकेशन करके बेनिफिशियरी स्टार्स को ओपन कर लीजिएगा। जिनके पास ओटीपी नहीं आ रहे यानी कि मोबाइल नंबर गलत डाल दिया है, किसी का मोबाइल नंबर गुम हो चुका है, तो इस वीडियो का लास्ट में बताऊंगा जिन लाभार्थी ओटीपी के थ्रू बेनिफिशियरी स्टार्स चेक नहीं कर पा रहे उन सभी लाभार्थी कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि मुझे पैसा मिलेगा कि नहीं, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानकारी देंगे। बेनिफिशियरी स्टार्स ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको पासवर्ड इन्फॉर्मेशन में आके मोबाइल नंबर की वेरीफाई करना होगा। अगर आपका चार्ज किया जाए तो इसमें मोबाइल नंबर शो नहीं कर रहा है तो आपको 100 to 99% गारंटी है कि आपको किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिलेगा। और जिन लाभार्थी का मोबाइल नंबर शो नहीं कर रहे हैं उन सभी लाभार्थी अपडेट और डिटेल्स पर क्लिक करके ई केवाईसी के बारे में जानकारी लेना होगा। अगर अपना ई केवाईसी ओटीपी के थ्रू हो चुका है लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट में मोबाइल नंबर और ई केवाईसी नो बता रहे हैं तो सभी लाभार्थी को सीएससी सेंटर में जाके ई केवाईसी को बायोमेट्रिक अपडेट करना होगा। अभी आपको जाना होगा एलिजिबिलिटी ट्रांसफर लैंड सेटिंग और ई केवाईसी और आधार सेटिंग सभी सही रखना होगा। उसके बाद आ रहा है एफटीओ प्रोसीड के बारे में, इसीलिए लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स पर जाके चेक करना होगा। 16 नंबर का इंस्टॉलमेंट की जगह एफटीओ प्रोसीड नो है या यस है। अगर आपका यह कहना है कि मेरा एफटीओ प्रोसीड नो है उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा पैसा मिलेगा, अगर आपका एफटीओ प्रोसीड यस है ट्रांजेक्शन बिना फेल हो जाए आपका पैसा भी आएगा। इसके लिए सभी लाभार्थी को 2 काम करना होगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त के लाभ प्राप्त करने के लिए सभी लाभार्थी को 31 मार्च तक अपने ई केवाईसी पूरी करें। अगर आपका ई केवाईसी अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो सबसे पहले आपको ई केवाईसी को कंप्लीट करना होगा। और जिन लाभार्थी का ई केवाईसी कंप्लीट हो चुका है उन सभी लाभार्थी को सिर्फ क्या करना होगा, अपने आधार कार्ड से पोस्ट ऑफिस पर खाता खोलना होगा। जिन लाभार्थी का पोस्ट ऑफिस पर खाता होने के बाद भी पैसा अब तक बैंक अकाउंट पर नहीं मिला उन सभी लाभार्थी 15 मार्च तक वेट कीजिएगा, 15 मार्च तक पैसा अपना खाता पर आ जाएगा। और किसान सम्मान निधि योजना में जिन जिन लाभार्थी का एफटीओ प्रोसीड नो आ रहा है सभी लाभार्थियों में रिक्वेस्ट करूंगा अपने आधार कार्ड से पोस्ट ऑफिस पर खाता खोलने के लिए। अभी भी बहुत ऐसे सदस्य बारे मेरा पोस्ट ऑफिस पर खाता नहीं खुला है क्योंकि मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज मिल रहा है और आधार वेरिफिकेशन करने के बाद ये सेटिंग आ रहा है कि पोस्ट ऑफिस पर अब तक डीबीटी लिंक को एक्टिव नहीं किया है। जिन लाभार्थी वंचित है उन सभी लाभार्थी को 100 to 100% गारंटी है कि पोस्ट ऑफिस पर खाता खुलना ही होगा, नहीं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। अभी मुझे कमेंट करके बताना होगा अपने पोस्ट ऑफिस पर खाता खुला कि नहीं, अगर खुल लिया है तो कौन सी डेट पर किया है, डीबीटी लिंक कौन सी डेट पर हुआ है इसके बारे में जानकारी देना होगा। डीबीटी लिंक कौन सी डेट पर आपका एक्टिव हुआ है इसके बारे में जानकारी लेने के लिए आधार कार्ड से बैंक स्टेटस को जरूर चेक कीजिएगा। आधार कार्ड से बैंक स्टेटस चेक करने के बाद इसमें आपको एक डेट मिलेगा, यह होता है आपका डीबीटी एक्टिवेशन डेट। अगर आपका डेट इसी पर शो कर रहा है या सेम टू सेम शो कर रहा है तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा यानी कि मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा। अगर आपका बैंक नेम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है तो आपको 100% पैसा मिला है। अगर आपने डीबीटी लिंक किया है इसी महीना में किया है तो आपको 15 मार्च तक पैसा मिल जाएगा। तो दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा पाने के लिए सिर्फ 2 ही काम करना होगा जो आसानी से सभी लाभार्थी बिना किसी विभाग जाके आप ये दोनों काम करा सकते हैं। तो दोस्तों इसी वीडियो के अंदर मैंने जो भी जानकारी दी है, अगर आपके इसके अलावा और कुछ प्रॉब्लम चल रहा है
है मुझे कमेंट डाल दीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा। जिन लाभार्थी ओटीपी वेरीफाई करके बेनिफिशियरी स्टेटस ओपन नहीं कर सकते, यानी कि ओटीपी रिसीव नहीं हो रहे, उन सभी लाभार्थी को डीबीटी पोर्टल पर जाके बेनिफिशियरी स्टेटस को चेक करना होगा। बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करने के लिए डीबीटी पोर्टल की मदद से आपको सबसे पहले कैटेगरी पीएम किसान सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद दो ऑप्शन मिलेगा, सभी को बेनिफिशियरी वैलिडेशन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद एंटर एप्लीकेशन आईडी की जगह रजिस्ट्रेशन नंबर पेस्ट करके कैप्चा डाल के चार्ज पर क्लिक करने के बाद बेनिफिशियरी डिटेल्स ओपन हो जाएगा। अगर आपका बेनिफिशियरी डिटेल्स की जगह रिजेक्ट करके आ रहा है तो दोस्तों आपको रिजेक्ट वाली को सबसे पहले अपडेटेड में बदलना होगा। अपडेटेड में कैसे बदल सकते हैं उसका ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, वीडियो का लिंक मैंने आई बटन पर दे दूंगा, वरना प्लेलिस्ट में जाके वीडियो जरूर देखिएगा। और जिन लाभार्थी का अपडेटेड करके लिखा होगा उन सभी लाभार्थी को भी इसी महीना लास्ट तक पैसा आने वाला है। जय हिंद, जय भारत।